आप जब आप रिसर्च प्रपोजल तो बनाते हो, उसको फॉर्मुलेट कर रहे हो, उसमें ना कुछ स्टेप्स आते हैं, वो स्टेप्स क्या है ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया। उन्होंने आपको स्टेप्स कई बार दिए होते हैं, वो कहते हैं जंबल्ड वे में होते हैं, उसको सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। देखो जब आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम प्रपोजल को फॉर्मुलेट करना है तो सबसे पहले तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। जितनी क्लियरली रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक डिफाइन करोगे जिस पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो इसमें आपको ना जो भी आपका देखो जिस एरिया में यानी जो आपका स्पेसिफिक एरिया जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या आपका लक्ष्य क्या है स्टडी करने का, आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। दूसरे नंबर पे आपको लिटरेचर का रिव्यू करना पड़ेगा। देखो जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लिया, अब जो आपके पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर है ना, जो अब ये एग्जिस्टिंग लिटरेचर ना जो आपका टॉपिक है ये मुद्दा है उसके रेलेवेंस में होना चाहिए। आप इसको अच्छे से थॉरली एनालाइज करो। इसमें आपको आपकी एक तो ये चीज़ पहले जाएगा आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, यानी आपके रिसर्च गैप्स क्या, मतलब जो चीज़ों पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है उन पे दोबारा से करने की जरूरत नहीं होती। यानी इन शॉर्ट एक ना आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बाउंड्री मिल जाएगी जिसके अंदर आपने पूरा रिसर्च को कंडक्ट करना है। तीसरा आता है अब आपको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। देखो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम और लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अब ये हाइपोथेसिस या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, यानी टेम्प्रेरी एक्सप्लेनेशन होती हैं या प्रेडिक्शन होती हैं उन चीज़ों की जिनके लिए आप रिसर्च को कैरी आउट कर रहे हो। फिर आता है रिसर्च डिजाइन। जब आपका एक बार हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो गया, आपका रिसर्च क्वेश्चन एस्टैब्लिश हो गया, अब रिसर्च डिजाइन को डेवलप किया जाता है। देखो रिसर्च डिजाइन आपको पूरा ओवरऑल चीजें बताता है, क्या आपकी ओवरऑल अप्रोच रहने वाली है रिसर्च करते टाइम, क्या आप मेथड्स फॉलो करोगे, क्या कौन कौन से आप प्रोसीजर्स फॉलो करोगे, डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या होंगे, आपके डाटा एनालिसिस टेक्निक बीइंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वो क्या होंगी। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च डिजाइन एडवांस में पहले ही बता देगा। लास्ट आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। जब रिसर्च डिजाइन हो गया फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका जो नेसेसरी डाटा है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हेल्प करेगा, आपको उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं, सर्वेस यूज कर सकते हो, इंटरव्यूज कर सकते हो, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हो कंट्रोल्ड कंडीशन से, इवन जो ऑलरेडी पब्लिश सोर्सेज है जिन्हें सेकेंडरी सोर्सेज के नाम से जाना जा सकता है उनको भी टैप ऑन किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे एक चीज़ आती है, पहले समझो, वो कहते हैं एनॉर्मस कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन वेरियस टॉपिक्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज। आपका बहुत वास्ट डाटा, बहुत सारा डाटा कलेक्टेड है ऑलरेडी वेरियस टॉपिक्स के रिलेटेड, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज को टैप किया हुआ है। जब उसको आप एक ऐसे कंपाइल कर देते हो ना, तो अब ये कंपाइल कौन करेगा, फॉर्म करेगी फॉर या तो वो अपने यूज के लिए या उसके क्लाइंट्स के लिए, तो तब उसे डाटा वेयर हाउस कहा जाता है। मतलब इन शॉर्ट डाटा वेयर हाउस कुछ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, मतलब कोई मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। सिंपल जो डाटा वेयर हाउस है ना, ये कलेक्शन है जो आपका डाटा आपने अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट किया, जब आप उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर लेते हो, उसको मैनेज करते हो कि जब आपको जरूरत पड़े आप उसमें से अच्छे से उसको रिट्रीव कर पाओ, चाहे अब फॉर्म ने खुद ही यूज़ करना चाहे उसके क्लाइंट्स ने यूज़ करना हो, तो ये एक डाटा वेयर हाउस होता है। ठीक है, ये बेसिकली सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है, मतलब आप एक जगह पे सारा डाटा इकट्ठा कर देते हो ताकि जब जरूरत टाइम आने पे उसको यूज किया जा सके। आगे आता है सेकेंडरी डाटा। देखो सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जिसको किसी और बंदे ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया था। ठीक है, अब ये आपके पर्पस के लिए नहीं कलेक्ट हुआ था, जिस बंदे ने कलेक्ट किया था उसका माइंड भी अपना पर्पस होगा, वो आपके पर्पस से डिफरेंट होगा, बट आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये होते हैं सेकेंडरी डाटा। अगर मैं आपको इसके सोर्सेज बताऊं तो मतलब देखो अनपब्लिश थीसिस, जो अनपब्लिश थीसिस होते हैं ये भी एक सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। इसमें आपकी जो मतलब जो जिस बंदे ने रिसर्च किया होगा जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी वो अवेलेबल होंगी। ठीक है, फिर आती है आपकी एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल ये एक पब्लिश डॉक्यूमेंट्स है, मतलब इसको तो पब्लिश किया जाता है। अब ये आपको फाइनेंशियल और इसके फाइनेंशियल के अलावा काफी और भी इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आपको एनुअल रिपोर्ट्स बता देती हैं। सो इसको हम ऐसा सोर्स सेकेंडरी डाटा का यूज कर सकते हैं। अब आगे आता है रिसर्च डिजाइन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रिसर्च डिजाइन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ओवरऑल प्लान या स्ट्रक्चर होता है जो आपका पूरा रिसर्च के प्रोसेस को गाइड करता है और आपको हेल्प करता है कि आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं या जो प्रॉब्लम के लिए आपने रिसर्च किया आप उसको पूरा कर पाओ। बहुत सारे अलग अलग रिसर्च डिजाइन है, डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च क्वेश्चन की नेचर क्या, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या रिसर्च के टाइम पे या आपके प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस क्या। तो सबसे पहले जो कॉमन रिसर्च डिजाइन आते हैं, इवन जो पेपर में बहुत बार पूछे गए, सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। देखो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हो, कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस फैक्टर, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना आप उनको कंट्रोल करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हो, और आप फिर ये देखते हो कि अगर आपने इंडिपेंडेंट मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस लाना। जब आप
इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाते हो, उसको मैनिपुलेट करते हो, फिर आप उसके अफेक्ट्स को मेजर करते हैं कि उसके क्या अफेक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहे हैं। सो ये कहीं ना एक कॉज और अफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है और इसे ना ज़्यादातर साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च में यूज किया जाता है। अब आ गया था फैक्टोरियल डिज़ाइन, क्या होता है? देखो ये एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, मतलब आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर या बींग का कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पे जो आपके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब आप केवल एक इंडिपेंडेंट को नहीं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को और आपके मल्टीपल फैक्टर्स को आप मैनिपुलेट करते हो, फिर उनका इफेक्ट देखा जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे पड़ क्या रहा है। सो ये जो जब आप इस चीज़ को एग्जामिन करोगे ना, आपको अफेक्ट्स पता चल जाएंगे, यानी इन शॉर्ट आपकी जो इंटरेक्शन अफेक्ट्स है, जो आपके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, वो क्लियर हो जाएगी। आगे आता है बिफोर आफ्टर डिजाइन विद वन एक्सपेरिमेंट एंड टू कंट्रोल ग्रुप्स। अब जो ये आपका बिफोर और आफ्टर डिजाइन है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट होगा बट कंट्रोल ग्रुप्स दो होंगे। सो ये भी एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसमें आप ना मेजर करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल को, मतलब आप इंटरवेंशन से पहले भी मतलब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को दो बार मेजर करोगे, एक इंटरवेंशन से पहले, एक इंटरवेंशन से बाद। अब इंटरवेंशन ट्रीटमेंट भी हो सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकती है, ठीक है। सो फिर दोनों को, अब इन दोनों में आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, दो सेपरेट कंट्रोल ग्रुप्स होंगे। जब आप इस पूरे सिनेरियो, यानी एक तो नॉर्मल आप डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जामिन कर लो क्या क्या चीजें हैं, फिर आपने जब ट्रीटमेंट कर दिया या कुछ भी कर दिया, मतलब मैनिपुलेशन कर दी, उसके बाद इफेक्ट्स पड़ के डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा ना, वो आफ्टर हो गया। सो दोनों को कंपेयर करके डिटेल्स इनसाइट्स निकाले जाते हैं। तीसरा आता है लिटिन स्केल डिजाइन। ये भी एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। ये कंट्रोल फॉर अदर फैक्ट्स, ये अब कंट्रोल करता है ऑर्डर अफेक्ट्स का। मतलब देखो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसके अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहे हैं, वो किस ऑर्डर में पड़ रहे हैं, उस ऑर्डर को कंट्रोल करता है लेटेंस केयर डिजाइन। यानी इसमें आप लेटेंस केयर अरेंजमेंट करते हो ट्रीटमेंट्स का और कंडीशन का, ताजो आप इंश्योर कर पाओ कि हर जो ट्रीटमेंट है वो अपनी सही पोजिशन पर ही आ रहा है, ठीक है। आगे आता है आपके पास ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। देखो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में ऑब्जर्व किया जाता है और डॉक्यूमेंट किया जाता है फिनोमिना को विदाउट इंटरवेंशन और मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। यानी ऑब्जर्वेशन डिजाइन बड़ा सिंपल है, यानी उसका नाम ही बताता है, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, यानी आप चीजों को पहले ऑब्जर्व करोगे फिर उनको रिटर्न में डॉक्यूमेंट कर दोगे, बट इसमें कोई इंटरवेंशन या मैनिपुलेशन नहीं होती वेरिएबल्स की। फर्दर इसके आगे दो कैटेगरीज आ जाती है, एक क्रॉस सेक्शनल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। देखो क्रॉस सेक्शनल तब होगा जब आपने सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर डाटा कलेक्ट किया, और लॉन्गिट्यूडनल कब होगा जब आपने ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब एक लंबा चौड़ा टाइम पीरियड ले लिया, उसमें आपने डाटा कलेक्ट किया, तो वो आपके लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन हो जाएंगे। अब आगे आते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का यूज हुआ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को डिटेल में करते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंटली पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। देखो जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है जब आपने जो आपका कंज्यूमर्स है, यू नीड टू मेजर चेंज ऑप्शंस ऑफ कंज्यूमर रैपिडली ओवर अ सर्टेन पीरियड। अगर मान देखो जब कंपनी ये चाहती है कि वो ये देखना चाहती है कि कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट्स को लेके शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, वो ऑप्शंस चेंज क्यों कर रहे हैं, तब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में आप डाटा कलेक्ट करते हो सेम इंडिविजुअल्स और ग्रुप में, बट वो होता ओवर एन एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं रिसर्चर्स को अलाउ करते हैं कि वो चेंजेस को ऑब्जर्व कर सके, ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं ओवर द टाइम उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को कंडक्ट करते हो तो रिसर्चर्स कहीं ना कहीं ट्रैक कर पाते हैं और मेजर कर पाते हैं कंज्यूमर की ओपिनियन क्या, क्यों वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, क्या उसकी प्रेफरेंसेस बदल रही हैं, क्या उसकी चॉइसेस हैं, उसकी चॉइसेस टाइम से चेंज तो नहीं हो रही। सो बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो आप टाइम में इनको कंसीडर किया जा सकता है, बहुत अच्छे इनसाइट्स आपको मिलते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म पैटर्न्स पता चल सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स का कंज्यूमर के बिहेवियर पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है आप उसको स्टडी कर सकते हो, एयर इससे इन शॉर्ट एट द एंड ना आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इंटरवेंशन बड़ी इफेक्टिवली बन पाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजाइन आता है वो आता है सर्वे डिजाइन। देखो सर्वे डिजाइन में डाटा को कलेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल्स के सैंपल से, यानी आप इंडिविजुअल्स का सैंपल ले लेते हो, उससे आप स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन से इंटरव्यूज कंडक्ट करते हो, तो कोई भी तरीका हो सकता है। फिर जब आप सैंपल से आपका डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द सर्वे डिजाइन। बेसिकली इसको यूज किया जाता है ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जैसे आपके कंज्यूमर के एटीट्यूड्स क्या हैं, उसके ओपिनियंस क्या हैं चीजों को लेकर, बिहेवियर क्या है या करेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट आता है हमारे पास केस स्टडी डिजाइन। देखो केस स्टडी डिजाइन में आप इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हो एक ही सिंगल इंडिविजुअल का, एक बंदा पकड़ लिया, अब उससे आप इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन की भी कर सकते हो या कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की भी कर सकते हो। बहुत आपको डिटेल में एनालिसिस मिल जाता है कि वो पर्टिकुलर केस के, यानी जिस बंदे को या जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस टॉपिक को आपने उठाया, जब आपने उसको इन डेप्थ में एनालिसिस किया तो आपको उस पर्टिकुलर चीज के बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें पता चल जाएगी, यानी आप कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को या यूनिक सिचुएशन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आगे आता है आपके पास क्वालिटी
क्वालिटेटिव डिज़ाइन। देखो जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है इसका मुद्दा यही है, इसका फोकस यही है कि आपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं, जो आप मीनिंग्स एसोसिएट कर रही हो चीज़ों को, या जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हो रही हैं, आपने उन चीज़ों को समझना है थ्रू मेथड, जैसे आप इंटरव्यूज़ के थ्रू चीज़ें समझ सकते हो, ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकते हो, या टेक्सचुअल एनालिसिस भी कर सकते हो। मुद्दा एम एक ही है, आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, यानी जितनी एक्सप्लोरेशन अच्छी होगी उतना ही आप नया डाटा कलेक्ट कर पाओगे। आगे आता है क्वांटिटेटिव डिज़ाइन। देखो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है इसमें न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर न्यूमेरिकल डाटा को ही एनालाइज किया जाता है। इसमें आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, चीज़ों की जनरलाइजेशंस करते हो, पैटर्न्स को इस्टैब्लिश करते हो, फिर जब पैटर्न्स इस्टैब्लिश करेंगे करोगे आपको ट्रेंड्स पता चलेंगे, आप रिलेशनशिप निकाल पाओगे कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बन क्या रहे हैं। बहुत जो मैंने आपको ये रिसर्च डिज़ाइन की एग्जांपल दी है ये तो वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा सारी ऑप्शंस होती हैं, बट पेपर में हमारे यही फोकस किए जाते हैं क्योंकि ये मेजर है, ठीक है। सो इवन जो रिसर्चर्स हैं वो मिक्स्ड मेथड्स को, मिक्स्ड अप्रोचेस को भी यूज़ कर सकते हैं, उन थोड़ी ऊपर नीचे थोड़ी सी वेरिएशन ला के वो डिज़ाइन को यूज़ करके अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है स्टेप्स इन डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस फॉर एन इनोवेटिव सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। देखो अगर आप एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालना चाहते हो प्रॉब्लम के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, यानी एक थिंकिंग प्रोसेस है वो तो होगा। अब उसमें ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस उसमें स्टेप्स क्या होंगे पेपर में बहुत बार पूछे गए। देखो सबसे पहले तो आता है एम्पेथाइज। इस स्टेप में आपको समझना होगा नीड्स को, वांट्स को, चैलेंजेस जो यूजर्स और स्टेक होल्डर्स फेस कर रहे हैं, मतलब जो उनकी, देखो जो आपके यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम के कारण अफेक्टेड है, मतलब प्रॉब्लम ने उन पर अफेक्ट डाला है, उनकी नीड्स क्या हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी वॉन्ट्स हैं, क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो इसके लिए ना आपको इनसाइट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी और आपको एम्पथी डेवलप करनी पड़ेगी यूजर्स के एक्सपीरियंसेस को लेके। दूसरा स्टेप आता है डिफाइन। इस स्टेप में जो आपकी प्रॉब्लम और चैलेंज है ना आप उसको क्लियरली डिफाइन करोगे, आप यूज़र का नज़रिया देखोगे, यूजर्स के नज़रिए को डिफाइन करोगे, उस पर फोकस करोगे, यानी इन शॉर्ट जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया इसमें उसको इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज किया जाता है एम्पैथाइज स्टेज से बाद, ताजो आप एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को बना सको, मतलब आपको प्रॉब्लम के क्लियर डेफिनेशन मिल सके। आगे आता है आइडिएट। आइडिएशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज लाए जाते हैं, पोटेंशियल सॉल्यूशंस सोचे जाते हैं जो आपने पिछली प्रॉब्लम को डिफाइन किया उसके सॉल्यूशन के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए विदाउट जजमेंट वो सारी ट्राई की जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोटोटाइप। अब आप एक प्रोटोटाइपिंग करते हो, यानी आप एक फिजिकल या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बना देते हो जो आपका पोटेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है उसके, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, यानी टेस्टिंग में जो फीडबैक मिलते हैं उसके बेसिस को रिफाइन किया जाता है आइडिया को, ताजो आगे सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज पे इन्वेस्टिगेशन की जा सके। लास्ट आता है उसमें टेस्ट। देखो इस स्टेप में जो आपने प्रोटोटाइप, पिछले स्टेप में आप प्रोटोटाइप क्या लो या पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या लो, इसको यूजर्स के साथ टेस्ट किया जाता है, स्टेक होल्डर्स के साथ टेस्ट किया जाता है, ताजो आप उनसे फीडबैक गैदर कर पाओ और इवेल्युएट कर पाओ कि वो जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है या पोटेंशियल सॉल्यूशन आपका प्रॉब्लम ने बनाया है उसका वो अफेक्टिवली काम कर रहा है, यानी वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। सो टेस्टिंग फेज कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ को रिफाइन और इटरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे ये टॉपिक होता है कंप्लीट, अब आगे बढ़ते हैं डाटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन। डाटा क्या होती है, देखो डाटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है दोनों रिसर्च प्रोसेस में। बेसिकली ये कंसर्न एक ही चीज़ नहीं है, पहले आपने डाटा को कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले आती है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को, डाटा को गैदर करते हो अलग अलग सोर्सेज से। सोर्सेस आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, सोर्सेस आपके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब जो आपका ये डाटा कलेक्टेड, जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो ये ना रेलेवेंट होना चाहिए जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव है उसके, ठीक है। सो कुछ कॉमन मेथड है, सबसे पहले सर्वेस और क्वेश्चन है। देखो सर्वेस और मतलब जो भी ये सारे मेथड्स हैं ना, अभी ये सारे के सारे डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, आप सर्वेस में डाटा को कलेक्ट करते हो थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स। अब जब आप ये आपने क्वेश्चनेयर बना लिया उसमें अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, वो हर क्वेश्चन का जब आपको आंसर मिलेगा मतलब इन शॉर्ट उसका डाटा आपका कलेक्ट होगा। अब जो आपने क्वेश्चनेयर्स देने हैं आप इंडिविजुअल्स को दोगे, ग्रुप्स को दोगे। अब सर्वेस को फेस टू फेस भी कंडक्ट किया जा सकता है, ऑनलाइन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी किया जा सकता है, ऑनलाइन सर्वे भी आप कर सकते हो, पेपर बेस्ड क्वेश्चनेयर्स भी हो सकते हैं। आगे आता है इंटरव्यूज। देखो इंटरव्यूज में अगेन डाटा को कलेक्ट किया जाता है, अब इसमें डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है, मतलब कन्वर्सेशन आपके इंडिविजुअल के या ग्रुप के किसी के भी साथ हो सकती है, बट ये
नहीं हूँ जी अब डायरेक्ट, क्योंकि इंटरव्यू है। सो ये स्ट्रक्चर्ड होती है जिसमें आपके प्री डिफाइंड क्वेश्चंस क्वेश्चंस यानी पहले से ही डिसाइडेड होंगे, और अनस्ट्रक्चर्ड तब होंगे जब आपके ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज होंगे, मतलब ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब एक पेपर में क्वेश्चन आया था, वो क्या कह रहे थे, यूज ऑफ इंटरव्यूज एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। अगर आप इंटरव्यूज को एज अ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेक्निक यूज करते हो तो उसके आपको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हो। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल इंटरव्यू की ये, बस सबसे बेस्ट एडवांटेज इंटरव्यू की यही है कि जब इसे एज अ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेक्निक यूज किया जाता है तो जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी उनको आप टेलर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अगले बंदे की नीड्स के अकॉर्डिंग, या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की और इंडिविजुअल जिसको आप कर रहे हैं जो स्पेसिफिक नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए आप क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड इश्यूज दैट कम। इसके अलावा जो मेजर एडवांटेज ये है कि जब आप इंटरव्यूज को कंडक्ट करते हो, ठीक है, जब वो आपको एक कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है कि आप किसी टॉपिक को पकड़ के ना डीप जा सकते हो, यानी जब आप इंटरव्यू करोगे बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट पता चल जाए, अगर आपको कोई टॉपिक पता चल गया आप उस पर अनएंटिसिपेटेड इश्यूज है आप उसको और डीपर जाना चाहते हो तो आप उसके रिलेटेड कन्वर्सेशन को और आगे लेके जा सकते हो, आप फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इन शॉर्ट देखो जब बातें होंगी ना बातें बहुत गहराई तक की जा सकती हैं, ठीक है। आगे आता है कंज्यूमर्स इंटरव्यूज कैन हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कंज्यूमर्स की इंटरव्यू कर रही है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। उनमें से सबसे पहले आता है कि नॉन रैंडम सैंपल। देखो अगर आपने कंज्यूमर्स का जो सैंपल सिलेक्ट किया है जिस पे आपने इंटरव्यूज कंडक्ट करनी है वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया गया तो उसमें सबसे पहले तो बायस आ जाएगा, यानी इन शॉर्ट आपने अपने फेवरेट अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस लेने के लिए आपने सैंपल ही वैसा सिलेक्ट किया कि जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस ही देगा। सो नॉन रैंडम सैंपल कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट देगा ही नहीं। दूसरा आता है रिस्पॉन्स बायस। देखो रिस्पॉन्स बायस तब होता है जब कंज्यूमर जानबूझ के इनएक्यूरेट या बायस रिस्पॉन्सेस देगा क्योंकि उसके लिए वो सोशली डिजायरेबल होगा या उसको मेमोरी रिकॉल इश्यूज होते हैं, मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर है जिसके कारण कंज्यूमर जानबूझ के गलत रिजल्ट्स देता है, दैट इज रिस्पॉन्स बायस, ठीक है। अब आगे आता है ऑब्जर्वेशंस। हमने पहले सर्विस क्वेश्चंस किए इंटरव्यूज की, अब ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं। देखो ऑब्जर्वेशन बीइंग अ डाटा कलेक्शन मेथड, इसमें आप सिस्टमैटिकली चीजों को बिहेवियर्स को इवेंट्स को पहले ऑब्जर्व करते हो वॉच करते हो फिर उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हो। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट कब होगी जब रिसर्चर वहां पे प्रेजेंट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तब होते हैं जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देख के चीजों को लिखते हो। आगे आता है आपके पास एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स भी डाटा कलेक्शन, इसमें आप क्या करते हो आप मैनिपुलेशन करते हो वेरिएबल्स की, अब आपकी कंडीशंस कंट्रोल्ड होगी, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करोगे उसके जो इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहे उन चीजों को जब ऑब्जर्व किया जाएगा वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट्स। आगे आते हैं एग्जिस्टिंग डाटा सोर्स। रिसर्चर्स डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सोर्सेज से जिनको हम सेकेंडरी सोर्सेज के नाम से जानते हैं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जो डाटाबेसेस ऑलरेडी बने हैं वो हो सकते हैं, अगर कोई लिटरेचर ऑलरेडी पब्लिश है उसको किया जा सकता है, अगर पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको अचीवल रिकॉर्ड्स कहते हैं उनको भी स्टडी किया जा सकता है, यानी इन शॉर्ट ये सारी सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब आगे एक पेपर में क्वेश्चन आया था, वो क्या कह रहे थे, व्हाइल फोकस ग्रुप्स एंड कोलैबोरेशन टूल्स कैन वैल्यूएबल ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक्स, दे डू हैव सम डिसएडवांटेज। देखो जिस तरीके से अगर आप इंटरव्यू को एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक यूज करते हैं हमने उसके एडवांटेजेस की थी, अगर आप फोकस ग्रुप और कोलैबोरेशन टूल्स को एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक यूज करते हो तो बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले तो वो टाइम कंज्यूमिंग है ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे। देखो अगर आपने फोकस ग्रुप को या कोलैबोरेशन टूल्स को यूटिलाइज करना है तो आपको बहुत सारी चीजों बहुत सारे इनपुट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसके लिए आपको स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेटिंग करनी पड़ेगी मल्टीपल इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं या नहीं है, सो इससे कहीं ना कहीं आपके डिलेस आते ही जाएंगे जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग चीज बन जाएगी। सेकेंड ये वो कहते हैं जो ग्रुप मेंबर्स आर प्रोवाइड ऑनली इन्फॉर्मेशन दैट दे थिंक यू वांट टू हियर। जो आप ग्रुप बनाओगे यानी जो इंडिविजुअल्स आप सेलेक्ट करोगे उनके दिमाग में ये होगा वही हमने इन्फॉर्मेशन देनी है जो हमको चाहिए, दैट इज आर रिस्पॉन्स बायस। अब फोकस ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल डायनामिक्स के कारण या उनके डिजायर होते हैं कि उन्होंने अपने ना ग्रुप के फैसिलिटेटर को अच्छा अच्छा मतलब उनको अट्रैक्ट करवाना है, ठीक है, उनको प्लीज करना है। सो ये जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे ना ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं देंगे, यानी ये एक डिसएडवांटेज बन जाती है। आगे आता है पोटेंशियल फॉर डोमिनेंट वॉइसेस टू ओवरशैडो अदर। देखो फोकस ग्रुप और कोलैबोरेशन टूल में ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी वॉइस मतलब यानी कहते थे इस बंदे की बात में दम, मतलब कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को दबाने में मजा आता है, सो वो कहीं ना कहीं डिस्कशन को या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डोमिनेट कर देंगे और दूसरे बंदे बोल ही नहीं पाएंगे,
मतलब कई बार ऐसा ग्रुप बन जाता है कि उसमें एक ऐसा बंदा तो वो बोलता ही जाता है, बोलते जाता है, दूसरों को मौका ही नहीं मिलता। सो दैट इज द डिसएडवांटेज फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है लिमिटेड रीच एंड सैंपल साइज। अब देखो, जब आप अपना फोकस ग्रुप या कोलैबोरेशन टूल्स को बनाओगे, इसमें तो आप देखो लिमिटेड बंदे ही रख सकते हो ना, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ही होंगे, यानी आपको उतने ही इनसाइट्स या फीडबैक मिलेगी जितने वो उनके पास अवेलेबल होगी। सो ये भी एज आ कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज सर्व करता है। आगे आती है डाटा माइनिंग टेक्निक, जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग एरियाज में। देखो सबसे पहले तो आता है प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। जब आप हिस्टोरिकल डाटा जो आपके पास अवेलेबल है, जब आप उसको एनालाइज करते हो, आप डाटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज करते हो, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकती, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकती, चल क्या रहे हैं। अब ये चीजें जब उनको पता चल जाएंगे, उसके बेसिस पे वो फ्यूचर आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये उन एरियाज में जैसे लाइक आपके सेल्स फोरकास्टिंग की जा सकती, डिमांड प्लानिंग की सकती, या मार्केट एनालिसिस की जा सकती, इवन कंज्यूमर बिहेवियर को आप इन चीजों को यूज करके प्रेडिक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर। देखो जो आपके डाटा माइनिंग टेक्निक्स हैं, इनको यूज किया जा सकता है, बहुत एफिशिएंट टेक्निक्स है। आप अपने कंज्यूमर के डेमोग्राफिक डाटा को एनालाइज करने के लिए इनको यूज कर सकते हो। आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस है क्या, वो बिहेव कैसे कर रहा है, वो किस सेगमेंटेशन उनकी किस बेसिस पे करने चाहिए। जब आपको कस्टमर के डेमोग्राफिक्स पता चल जाएंगे, तो ऑर्गेनाइजर कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनके अकॉर्डिंग टेलर कर सकती है, अपने प्रोडक्ट्स को उनके नीड्स के वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग आपके ऑफर कर सकती है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट रिस्क एनालिसिस। देखो डाटा माइनिंग टेक्निक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करने में, और तब अगर हमें अपना क्रेडिट रिस्क अच्छे से पता चल गया, तो हम इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं लेंडिंग के रिगार्डिंग। अगर ठीक है, लेंडिंग क्या होता है, जब हमें किसी को उधार पे चीजें देनी है। सो जब आप हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करते हो कस्टमर क्रेडिट बिहेवियर के रिगार्डिंग, यानी आपको पता चल जाता है कि इस बंदा का अगर आप क्रेडिट दे रहे हो, तो वो टाइम पे पेमेंट्स दे रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे हो रही हैं, यानी इन शॉर्ट आपको ओवरऑल उसके बंदे का पेइंग बिहेवियर पता चल जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं प्रेडिक्टिव मॉडल्स को बना के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये बंदे डिफॉल्ट करेंगे, ये बंदे डिफॉल्ट नहीं करेंगे, ये हाई रिस्क कस्टमर्स है, ये लो रिस्क कस्टमर्स। सो ये चीज कहीं ना कहीं आपको अपना क्रेडिट रिस्क जो है उसको मैनेज करने में हेल्प करती है। आगे आता है फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। डाटा माइनिंग टेक्निक्स को आप यूटिलाइज करके ऐसे पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकते हो या एनोमलीज को डिटेक्ट कर सकते हो, जो इंडिकेट करते हैं कि भाई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस फ्यूचर में हो सकती हैं। ठीक है, सो जब आप लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ जो आपका ट्रांजेक्शनल डाटा है, जब आप उसको बींग बहुत उसकी वॉल्यूम अच्छी होगी, जब आप उसको एनालाइज करते हो, तब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उस पर अप्लाई करोगे, तो आपको अनयूजुअल पैटर्न्स पता चल जाएंगे, बिहेवियर्स पता चल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज फ्यूचर में हो सकते हैं वो इंडिकेट कर देंगे। जैसे आपको पता चल जाएगा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकता है, इंश्योरेंस का फ्रॉड हो सकता है, या आपकी चोरी वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, सो इन शॉर्ट माय डाटा माइनिंग टेक्निक एट द एंड आपका फ्रॉड डिटेक्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है, आप उसको प्रिवेंशन के लिए आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। लास्ट आता है मार्केट बेस्ड एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन सिस्टम। डाटा माइनिंग टेक्निक को इवन यूज किया जाता है जो कस्टमर के परचेज पैटर्न है, वो किस तरीके से परचेज करते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए आप एसोसिएशन और रिलेशनशिप जो प्रोडक्ट के साथ कस्टमर ने बनाई है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करते हैं कि वो मार्केट बास्केट एनालिसिस अच्छे से कर सकता है, यानी वो ये सजेस्ट कर पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट्स कौन से मार्केट में अच्छे से बेचेंगे, या पर्सनल रिकमेंडेशंस दे सकते हो कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बेसिस में। सो इन शॉर्ट जो आपकी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है वो इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक ना पेपर में क्वेश्चन आया था, इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा व्हेन द क्लास हैविंग इट्स अपर लिमिट इज ट्रीटेड एज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, इट इज कॉल्ड एन एक्सक्लूसिव क्लास। देखो जो आपकी क्लासिफ, जब आप डाटा को क्लासिफाई करते हो, पहले डाटा कलेक्शन होती है, फिर क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब आप डाटा की कर रहे हो, जो आपकी क्लास जिसकी अपर लिमिट है आप उसको एज अ लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की ट्रीट करते हो, तो उसको एक्सक्लूसिव क्लास कहते हैं। एक्सक्लूसिव क्लासेस ना खास करके स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन में यूज की जाती है, जहां पे जो अपर लिमिट एक क्लास के ना एक्सक्लूसिव होती है और उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसी ही स्पेसिफिक क्लास में बिलोंग करते हैं और वो ओवरलैप अगले क्लास के साथ नहीं कर रहे। सो इसको कॉमनली यूज किया जाता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंटरवल्स और रेंजेस जहां पे एग्जिस्ट कर रही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम्स की। अब आगे वो क्या कह रहे थे, रिटेल एनालिटिक एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सर्च टेक्निक्स टू गेन इनसाइट इनटू कस्टमर बाइंग पैटर्न्स इज़। देखो कुछ ऐसी रिटेल एनालिटिक एप्लीकेशन है जिनका आप यूज करके, यानी बेसिकली ये
ना सर्च टेक्निक्स का यूज़ होता है, यानी इनमें आप सर्च टेक्निक्स को यूज़ करते हो ताकि जो आपके कस्टमर के बाइंग पैटर्न का उसके आपको इनसाइट्स मिल सके। उसमें सबसे पहली जो टेक्निक आती है वो होती है डाटा माइनिंग की। देखो डाटा माइनिंग में सर्च टेक्निक्स को यूज़ करके डिस्कवर किए जाते हैं पैटर्न्स क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है कस्टमर के साथ, आपकी इनसाइट्स मिलेंगे आपको डाटा सेट के रिगार्डिंग। बेसिकली इसको कॉमनली रिटेल एनालिटिक्स में यूज़ किया जाता है ताकि जो आपको कस्टमर का बाइंग बिहेवियर पता चल सके, मार्केट सेगमेंटेशन आपने किस तरीके से करनी वो चीज़ पता चल गई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे आता है कॉम्प्रेस डाटा क्या होता है। देखो कॉम्प्रेस डाटा ये है कि यानी इसमें आप ना डाटा को स्टोर और रिप्रेजेंट और स्टोर करते हो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में, यानी बहुत ज़्यादा कम फ्यूअर बाइट्स और बिट्स होती है ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन। मान के चलो अगर ओरिजिनल डाटा 10 GB का तो कॉम्प्रेस डाटा सिर्फ 1 या 2 GB का ही होगा, ठीक है। अब आगे आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ना टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, आप टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो एक वैल्यू या रेंज वैल्यूज की वो डाटा सेट में कितनी बार अक्कर हो रही है, यानी मतलब एक वैल्यू उठा लो डाटा सेट में वो कितनी बार हो रही है वो आपको फ्रीक्वेंसी बताएगी। जब आप इस चीज़ को टेबल में रिप्रेजेंट करते हो डैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डाटा की कंप्रेशन नहीं की जाती बट रैदर सर डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा आता है आपके पास हिस्टोग्राम। देखो जो हिस्टोग्राम है ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना ली डाटा सेट को ऑब्जर्व करके कि एक डाटा में साइड में जो वैल्यूज वो कितनी बार ही रिपीट हो रही है, फिर जब आप उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वो हिस्टोग्राम बन जाएगा। यानी आप फ्रीक्वेंसीज को डिस्प्ले कर दोगे कि कितनी जो जो वैल्यूज हैं रेंज ऑफ वैल्यूज वो कितनी बार रिपीट हो रही है, यानी जिसको हम फ्रीक्वेंसीज कहते हैं उनको आप बार्स पे ग्राफिकली प्रेजेंट कर दोगे। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्रेशन नहीं की जाती ना डाटा के, सेम तरीके से हिस्टोग्राम में भी डाटा की कंप्रेशन नहीं होती। लास्ट आता है ओजीव्स। देखो ओजीव्स को हम ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हम जो आपकी डाटा वैल्यूज हैं जो उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उनके प्लस करने के बाद हम उनको ओजीव्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली जो आपकी कम्युलेशन होते हैं ना फ्रीक्वेंसीज की लाइन ग्राफ पे उनको प्रेजेंट करती है। यानी ओजीव कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम के साथ सिमिलर है बट में भी कंप्रेशन डाटा की नहीं होती। सो जब आप एक चीज याद रखो, जब आपको पेपर में पूछा जाए जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ पे प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको अजीब कहा जाता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो अजीब है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है यानी जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर देते हो ग्राफ पे, ठीक है, समझ गए। अब आगे आता है वो क्या कहते हैं असाइनमेंट ऑफ न्यूमरस जो ऑब्जेक्ट्स जो रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स इज नोन एज नॉमिनल डाटा। देखो जब आप जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने रिप्रेजेंट करना है जब आप उनको न्यूमरल्स को असाइन कर देते हो तो जो वो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम नॉमिनल डाटा के नाम से जानते हैं। यानी जो नॉमिनल डाटा ये ऐसे ही टाइप है कैटेगोरिकल डाटा की जहाँ पे नंबर्स को यूज़ किया जाता है एज अ लेबल्स और कोड। मतलब आप न्यूमेरिकल नंबर्स को यूज़ करते हो एज अ लेबल या कोड ताकि जो आप डिफरेंट कैटेगरीज हैं ग्रुप डाटा के दिखा सको। इस टाइप का जो डाटा होगा ना इसमें नंबर साइन किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स को जिनके पास कोई जिनका कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता या उनके पास कोई रैंकिंग होती है। सिंपली आप डिफरेंशिएट कर देते हो डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप असाइन करते हो नंबर 1, 2, 3 ताजो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो रेड ब्लू और ग्रीन कलर को, मतलब रेड को 1 से ब्लू को 2 से ग्रीन को 3 से, ठीक है। अब आगे आता है क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है। देखो क्रॉस सेक्शनल डाटा तो मैंने बता दिया नहीं जो कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कलेक्ट करते हो बट उसके रिगार्डिंग ना दो क्वेश्चंस आए थे वो हम जो आस्क किया गया डाटा था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये कहीं ना कहीं स्मॉलर होता है क्रॉस सेक्शनल डाटा के लिए देन टाइम सीरीज डाटा। जो आपका क्रॉस सेक्शनल डाटा है वो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, जो आपका टाइम सीरीज डाटा जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करते हैं वो ओवर ऑल एक्सटेंडेड पीरियड होता है। सो जो आपका लाइक आस्क किया गया डैट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो कम होगा क्रॉस सेक्शनल डाटा में, क्योंकि जो आपका क्रॉस सेक्शनल है वो एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टाइम सीरीज है वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो क्रॉस सेक्शनल डाटा है जो उसमें वेरिएशंस होंगी यानी टिपिकली ज़्यादा वेरिएशंस होंगी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के बीच में, जिसके कारण जो आपका एडजस्टेड या आपका अकेला आस्केट कह लो उसकी वैल्यू कम होगी। दूसरा मेजर रीजन ये है कि वाइडर फ्लक्चुएशन इन क्रॉस सेक्शनल डाटा कॉज अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ R2। अब जो क्रॉस सेक्शनल डाटा है उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत होंगी, ठीक है। जो आपकी वाइडर फ्लक्चुएशन है ये इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं कि डाटा बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है, जिसके कारण जो आपकी आर स्केयर की वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। और जो क्रॉस सेक्शनल है जहाँ पे आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करो वो सिग्निफिकेंटली वेरी करेंगी, इसके कारण जो वेरी वाइडर फ्लक्चुएशन आएंगी और आपका स्मॉलर आर स्केयर निकलेगा एज अ रिजल्ट, ठीक है। अब
अब आगे आता है, देखो अगर आपको उन्होंने कहा था प्रोसेस, आपने डाटा को प्रोसेस करना, उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस को आप सीक्वेंस में बताओ। देखो जब आप डाटा को प्रोसेस कर रहे हो, सबसे पहले तो एडिटिंग होती है, यानी इस स्टेज में जो आपने डाटा को कलेक्ट किया उसको रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है कि वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है हर पक्ष में, या वो कंसिस्टेंट है। फिर एरर्स और इनकंसिस्टेंसी जो उनको आइडेंटिफाई करके आप उसको करेक्ट कर देते हो। फिर आप करते हो कोडिंग, यानी जब एक बार डाटा एडिट हो गया फिर की जाती है कोडिंग। कोडिंग में आप न्यूमेरिकल या अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल्स असाइन कर देते हो, जो आपके डाटा के डिफरेंट कैटेगरीज या वेरिएबल्स आज जो कहीं ना कहीं आपके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस इजी हो जाए। थर्ड आता है क्लासिफिकेशन। जब आपने कोडिंग कंप्लीट कर दी उसके बाद आप डाटा को क्लासिफाई कर दोगे अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरीज में एक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस में, यानी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक उठा लोगे, उसके बेसिस पे आप डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दो। ये चीज़ कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग या आपके डाटा को अच्छे से इफेक्टिवली एनालाइजिंग करने में हेल्प करती है। चौथा आता है टेबुलेशन। देखो टेबुलेशन में आप समराइज करते हो, प्रेजेंट करते हो अपने क्लासिफाइड डाटा को, डाटा की आप क्लासिफिकेशन अच्छे से कर सके, आप उसको यूज करोगे, उसको समराइज करोगे, उसको प्रेजेंट करोगे एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। अब ये टेबल्स में भी प्रेजेंट कर सकते हो, चार्ट्स में भी कर सकते हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको इजी इन कंपेरिजन और इंटरप्रिटेशन डाटा की हेल्प करती है। आगे आता है यूजिंग परसेंटेजेस। देखो जब आपने टेबुलेशन कर ली, अब परसेंटेजेस को यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो आपके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोपोर्शन जो डिफरेंट कैटेगरी से उनको दर्शाएगी एक डाटा के अंदर। ये चीज़ कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन या जो रिलेशनशिप डाटा में या वेरिएबल्स में एग्जिस्ट करके आप उनको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं डाटा क्लासिफिकेशन की तरफ। देखो जो डाटा क्लासिफिकेशन है इसमें बेसिकली आप डाटा जो हमने कलेक्ट किया डाटा आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसको कैटेगराइज कर देते हो कॉमन करेक्टरिस्टिक और वेरिएबल के बेसिस में। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है कि आप डाटा को अच्छे से समझ पाओ, आप एनालिसिस को फैसिलिट कर पाओ। कुछ कॉमन अप्रोचेस है डाटा क्लासिफिकेशन की, उनमें सबसे पहले आते हैं नॉमिनल क्लासिफिकेशन। देखो नॉमिनल क्लासिफिकेशन में कैटेगराइज किया जाता है डाटा डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और कैटेगरी में उनके क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के बेसिस में। एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे जेंडर को मेल फीमेल हो गया, एथनिसिटी को एशियन अफ्रीकन, मतलब आप एथनिसिटी को कहां से वो बिलोंग कर रहे हैं, मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड या डिवोर्स या अनमैरिड हो गया, सिंगल या अनमैरिड एक ही चीज है, मैरिड डिवोर्स्ड हो गया। फिर आती है ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। देखो ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन में अरेंज किया जाता है डाटा एक स्पेसिफिक ऑर्डर या रैंक पे बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। आपने कोई क्राइटेरिया बनाया उसके बेसिस पे आप डाटा को रैंक करते हो, ठीक है, या उसको ऑर्डर में अरेंज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्लासिफाई, अगर आपने एजुकेशनल अटेनमेंट को क्लासिफाई करना है तो एलिमेंट्री पहले आ गई, फिर हाई स्कूल हो गया, कॉलेज ग्रेजुएट और आठ में पोस्ट ग्रेजुएट। फिर आती है इंटरवल क्लासिफिकेशन। इंटरवल क्लासिफिकेशन में डाटा को कैटेगराइज किया जाता है विद इक्वल इंटरवल्स। अब ये वैल्यूज के बीच में इक्वल जब इंटरवल्स होंगे उनको यूज किया जाएगा। जैसे टेम्परेचर अगर आपने मेजरमेंट करनी है वो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल हो सकता है, ये इंटरवल क्लासिफिकेशन, यानी दोनों बराबर होंगे, दो एक इंटरवल ले लो, एक राइट है एक लेफ्ट हो गया। ठीक है, आगे आती है रेशियो क्लासिफिकेशन बीइंग द लास्ट क्लासिफिकेशन। रेशियो क्लासिफिकेशन में आप कैटेगराइज करते हो डाटा को विद द मीनिंगफुल जीरो पॉइंट, यानी आपने एक जीरो पॉइंट ले लिया उसके बाद ये चीज़ आपको कहना कि अलाउ करेंगे आप मीनिंगफुल रेशियोस बना पाओगे वैल्यूज के बीच में। एग्जांपल हाइट वेट हो गया या टाइम हो गया। ठीक है, सो जो डाटा क्लासिफिकेशन एट द एंड हेल्प करती है डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में, आप एनालाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो पैटर्न्स और कंपैरिजंस बना सकते हो। जब कंपैरिजंस बनाओगे, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करोगे, डाटा का एनालाइज करोगे, कहीं ना कहीं आपको कंक्लूजन्स आप बना पाओगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने एक एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन मेथड यूज़ करना। अब ये कौन सा मेथड यूज करना है ये डिपेंड करता है आपके डाटा के नेचर क्या और आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या। सो डाटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन प्रोसेस के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाटा की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा और डाटा को सिक्योरली हेल्ड करना पड़ेगा, यानी उसकी प्राइवेसी आपने प्रोटेक्ट करनी और डाटा कॉन्फिडेंशियल ही रहना चाहिए। सो बहुत प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और डाटा कलेक्शन मेथड्स की रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, यानी बहुत अच्छे से आपको प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी कहीं ना कहीं रिसर्च की ट्रांसपेरेंसी और एप्लीकेशन बनी रहेगी। सो यहाँ पे होता है आज का हमारा सेशन कंप्लीट।